हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस रेसिपी। और आज की रेसिपी है कॉर्न टिक्की की। तो ये रेसिपी सिंपल और बहुत टेस्टी है। तो इसके अंदर कॉर्न की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी भी लगती है। तो देखिए कितनी यमी बनके हमारी रेसिपी यहाँ पे रेडी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं इस यमी रेसिपी को, कॉर्न टिक्की रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने ये सारी सब्जी ली है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े कटोरी कॉर्न लिए है। कॉर्न मैंने यहाँ पे फ्रेश लिए है। इसी के साथ मैं यहाँ पे शिमला मिर्च ले लूँगी 1/2 कटोरी। 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी ली है जिसे बारीक मैंने काट लिया है। और 1/2 कटोरी मैंने यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन लिए है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लिया है चावल का आटा। धनिया पत्ती ली है मैंने यहाँ पे 1 कटोरी भर के। और 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे लिया है चने का आटा। चने का आटा आप कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है नमक। इसी के साथ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक पेस्ट कर लिया है इसकी, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। उसके अंदर अब हम ये सारी सब्जियाँ डाल देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर गाजर, पनीर, जो पसंद है सब्जी वो भी ऐड कर सकते हैं। पर कॉर्न ज़्यादा ऐड कीजिए, कॉर्न की टिक्की है तो कॉर्न का मज़ा आना चाहिए इसमें। इसके अंदर अब मैं चावल का आटा डाल दूंगी और ये सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हम इसके अंदर डाल के इस तरीके से हमें इसमें सारे इन्ग्रीडियंट्स डाल देने हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर 1/2 कटा हुआ नींबू का रस डालूंगी। नींबू का रस डालने से इसमें खट्टा मीठा बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि जो सब्जी है उसमें से ही पानी छूटता है। तो इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसकी देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग हो चुकी है यहाँ पे। अब इसे हम टिक्की के शेप में इसको अच्छे तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको टिक्की के शेप बना लेना है। इस तरीके से आप बनाइए इसे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आने वाली रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली भी रेसिपी है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे सारी यहाँ पे टिक्कीज बना लूँ। तो बारिश के सीज़न में इससे बनाइए, गर्म गर्म बना के खाइए। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे सेलो फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कढ़ाई में तेल ले लिया है जिसके अंदर अब मैं 1-1 करके ये सारे टिक्कीज डाल दूँगी। यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम लो रखी है और अभी हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसमें रखना है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे पलट लेंगे। तो इसे हमें अच्छे तरीके से इस पलट लेना है। आप यहाँ पे किसी, और मैं इसे हाथ से कर रही हूँ तो आप इसे चम्मच या किसी चीज़ की सहायता से कीजिएगा क्योंकि तेल गर्म है। इस तरीके से हमें इसे पलट लेना है। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखना है, लो रखेंगे तभी ये क्रिस्पी बनेंगे। इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे और यहाँ पे हमारी ये टिक्की अभी दूसरी साइड से भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इससे अच्छे तरीके से सेलो फ्राई कर लेंगे। अब हमें इसे फिर से पलट लूँगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से इसे सेलो फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी टिक्की बनके रेडी है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और साथ ही में जो बेल आइकॉन है ना उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए हमारी टिक्की बनके यहाँ पे रेडी है। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी लगती है टिक्की। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ पे कॉर्न टिक्की की रेसिपी।
तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ आपके फ्रेंड्स फैमिली को ये वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।